पलंग ते बैठ के मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह लंगर छकदे सन। उस दे नाल खिड़की सी, कहंदे खिड़की दे बाहरले पासे आके गाथा कहंदे एक कुत्ता बैठ जांदा सी। मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जदों प्रशादा छकदे ते लंगर छकदे छकदे अद्धी रोटी तोड़दे उस कुत्ते नूं पा दिंदे। हुण कहंदे जदों कुत्ते नूं पांदे उस तों बाद कलगीधर सच्चे पातशाह सारा लंगर छक लैंदे, झूठ नहीं सन छड्डदे। कहंदे भाई नंद लाल जी दे मन च ना उस कुत्ते दे प्रति ईरखा आ गई। ईरखा पता की आई कि मेरे नालों तां इह कुत्ता चंगा है जिहनूं रोज कलगीधर सच्चे पातशाह दा प्रशाद सीत प्रशाद मिलदा है। कहंदे उहनां ने उस कुत्ते नूं शिशकारना चाहया पर कुत्ता गिज्जिया होया कित्थे शिशकारिया जावे, ओह हटे ना। कहंदे एक दिन भाई साहब जी ने पता की कीता, लंगर लिया के रखिया, गए जाके कुत्ते नूं चुक्किया, जाके एक कमरे विच बंद कर दिता, बाहरों कुंडी ला दी, आप आके कुत्ते दी जगह ते बैठ गए। अपने गोडे जिहड़े सन पिछे नूं कढ लए, अपनियां बाहां थल्ले दे दित्तियां ठोडी दी तरह, जीभ बाहर नूं कढ दित्ती जिवें कुत्ता बैठा हुंदा है। अंदर उम्मीद ए रखी कि कलगीधर सच्चे पातशाह रोज उस कुत्ते नूं अद्धी रोटी पांदे हन, अज मैनूं पाणगे तां मैं ओह शीत प्रशाद छक लवांगा, मैं तां त्रै कालदर्शी हो जावांगा। हुण अंदर भावना इह, पर होया पता की, कहंदे जदों भाई साहब जी आके बैठ गए, कलगीधर सच्चे पातशाह ने लंगर छकिया, जिहड़ी अद्धी रोटी रोज कुत्ते नूं पांदे सन ओह वी ना पाई। कहंदे भाई साहब जी उठे, आके कलगीधर सच्चे पातशाह दे चरण पकड़ ले, चरण पकड़ के यह नहीं किया कि सच्चे पातशाह पटराणी का खिताब दिता है, मैनू यह सेवा बख्शी, रोज मैं थानू लंगर छकांदा हां, तुसी कहंदे हो विद्वान हां, थोड़ा जिहा तां तरस कर लैंदे कि कुत्ता बनिया बैठा सी, मैनू अद्धा रोटी का टुकड़ा नहीं पा सके। भाई साहब जी ने उत्थे पता की बचन आखे, कहंदे सच्चे पातशाह तेरे कुत्तियां नालों मंदा नंद लाल सदवावां, डिगे टट्ठे भोरे चुग के इंदा झट लगावां। कहंदे सच्चे पातशाह लगदा यह है कि मैं सही मैने तुहाडे दर दा कुत्ता भी नहीं बन सकिया, मैं बेनती करदा इन्नी निमरता गुरु ने साडे जीवन च बख्शी है। जदों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा आपां इतिहास पढ़ो ना, जदों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह मुल्तान दी धरती ते गए सतसंगी जनों, ते एक जगह है मिठनपुर सत्संगी जनों, पाकिस्तान च है अजकल, जदों उत्थे गए ते उत्थे मियां मिठा रहिंदा सी। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जदों उसकी कुटिया दे विच पहुंचे ते जाके दस्तक दिती, फकीर तां अपनी कुटिया दे विच नहीं सी। उसकी बच्ची ने दरवाजा खोलिया, जदों दरवाजा खोलिया देखिया कोई महापुरुष हन, चेहरे ते जलाल बड़ा है, रौनक बड़ी है। उस बच्ची ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, तो उसने ये लफ्ज आखे कि आओ चाचा जी अंदर लंघ आवो। बस इन्ह लफ्जों का ध्यान रखना, बच्ची कहती आओ चाचा जी अंदर लंघ आवो। मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह अंदर चले गए, उस बच्ची नूं कोल बुला के कहंदे बेटा तू सानू चाचा जी किवें कह दिता। वो बच्ची कहन लगी महापुरुषो असल च मेरा बाप भी एक फकीर है, ते उसने जो मैनू समझा रखिया कि इस दर ते कोई भी फकीर आवे उन्हों नमस्कार करनी है, उसकी यथाशक्त सेवा करनी है, विश्राम नू जगह देनी है। उसने मैनू समझा रखिया मेरे बाप ने कि बेटी इस दर ते कोई भी फकीर आ जाए वो तेरा चाचा होवेगा, ताया नहीं। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह अजे उस बच्ची नाल वार्तालाप करते सन, वो फकीर भी आ गया, मियां मिठा भी आ गया। ते कहंदे जदों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह उठे, उस फकीर दे नाल परस्पर मिलाप कीता, वही गल उसके बाप ने फकीर ने कह दिती। कहंदे आओ छोटे भाई साहब किस तरह आने होए। मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने देख लिया कि यह भगती तां करदा है, ये नाम तां जपदा है, बंदगी तां करदा है, पर अंदर अहंकार भी बनिया पिया है। मैं आप जी नूं बेनती करां सतसंगी जनों, नितनेम करना, बाणी पढ़नी, तीर्थां ते जाना, ये इहदे वास्ते कि साडे अंदर निमरता आई जावे, परमात्मा दा वासा होएगा, निमरता आएगी। पर नौवें पातशाह कहंदे कई वारी इहदे उल्ट भी हुंदा है, तीर्थ बरत और दान कर मन में धरे गुमान। कहंदे तीर्थां ते जांदा है, दान करदा है, तीर्थ वर्त भाव संजम धर्म दे प्रति करदा है, पर कहंदे अंदर अहंकार पैदा होई जांदा है। ते कहंदे इसे तरह उहदे अंदर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने देख लिया कि अंदरों अहंकार दा भरिया, जिहड़ा मैनू कह रहा है कि आओ छोटे भाई साहब किस तरह आने होए। मैं आप जी नूं इह भी बेनती कर देवां, मेरे गुरु नानक देव जदों किसी नूं मिलदे हन ना उसनूं छोटा नहीं दिखाते सत्संगी जी नूं, सगों उहनूं पहलां परसोच करते हैं, परसोच करके फिर उसनूं उपदेश दिंदे हैं। मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह मियाँ मिठा नूं कहण लगे, हाँ मियाँ मिठा, कहंदे असल दे विच गल इह है कि जिहड़े छोटे हुंदे हन ना उह वड्डियां दे कोल कुछ लैण दे वास्ते आंदे हन। मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने होर उहनूं परसोच कर दित्ता। उह कहंदा हाँ आओ भाई साहब जी किस तरह आने हो, क्योंकि उन्हें गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने एक वैसा फकीर समझिया। उसके कोल बड़े फकीर आंदे सन जिहड़े आके दुनियावी मंगा मंगदे सन। उन्हें गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने भी वैसा फकीर समझ लिया। जदों उन्हें आख्या कि भाई साहब मंगो की मंगते हो, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने झोली फैलाई। झोली फैला के कहन लगे, फकीर जेकर कुछ देना है ना तो मैनू गरीबी दे दे, भाव निमरता दे दे। कहते जो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने आख्या निम्रता दे दे तो उसने नीवी पा ली। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते फकीर चुप क्यों कर गया, क्योंकि सत्संगी जी नूं जेकर उहदे कोल निम्रता हुंदी तां अपने आप नूं वड्डा क्यों कहंदा, अंदर मैं क्यों हुंदी। किसी प्रेमी ने बड़ा सोहना लिखा, कहते जिहड़ी इंसानां दे अंदर निम्रता नहीं ना हुंदी, कहते उहनां दे अंदरों मैं दी चलदी है आवाज़। ते कहते जिहड़े इंसान मैं करदे हन, कहते उहनां दी हालत पता की हुंदी है। बड़ा सोहना किसी प्रेमी ने लिखा, कहते फकर बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ इस जहां में और दूसरा कोई नहीं। जब ना छोड़ी मैं माया के सबाब में फेर दी गर्दन पर, छुरी कसाब ने मांस हड्डी चमड़ा जो था जिसमें दार में, कुछ पका कुछ फेंका कुछ बिक गया बाजार में। अब रही आते फक्त मैं सुनाने के लिए, ले गया नकाफ उन्हें दुनकी बनाने के लिए। देख जर्ब टांट सोने की घबराने लगी, अब मैं की जगह पर आवाज सदा तू के ही आने लगी। कहते बकरे ने भी मैं की सी, कहते उहदी की दुर्दशा हुई, बाद विच नाड़ा रह गया, मांस किमें उहदा विक गया, किमें उहदी हालत हुई दुर्दशा हुई। कहते बाद जदों धुनकी बनाई गई ना, कहते फिर उहदे विचों तू दी आवाज आनी शुरू हुई। इसे करके गुरु साहब जी बाणी च कहंदे हन, कहंदे सिखा तू पहला ही तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हो, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। एक रब नूं मिलन दा यह भी ढंग है, इंसान कुछ भी ना कर सके तू ही पुकारना शुरू कर दे तां भी उस दे विच अभेद हो जाता है। इस करके सत्संगी जनों कहंदे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहंदे फकीरा जे मेरी झोली च कुछ पाना है तो कहंदे गरीबी पा दे। कहंदे ओ चुप कीता। गुरु साहब कहंदे की गल फकीर चुप कर गया है, पर अंदरों अहंकारी सी सत्संगी जी चुप किवें करदा। कहंदा नानक जी मेरी ना उस परमात्मा तक कहंदे पहुंच है, तुसीं थोड़ी देर बैठो मैं परमात्मा दे कोलों हुणे ही तुहानूं गरीबी निम्रता लिया के दिंदा हां। कहंदे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहंदे ठीक है। कहंदे वह अपने भोरे च गया, जाके समाधि स्थित होया। जदों जाके समाधि स्थित होया परमात्मा दा दरवाजा खड़का दिता। हुण जदों परमात्मा दा दरवाजा खड़काया उस फकीर ने जो रब नूं कहा ते अग्गों जो रब ने जवाब दिता। किसी कवि ने बड़ा सोहना लिखिया कि पुतला सच दा एक दिन भगत कोई रब्बी दरगाह जाके प्रवान होया। उसनूं पुछया मंग मुराद कोई, उसदे मुख तों इउं फरमान होया। उसने कहा हैंकड़ लोभ ते धन दी हिरस कोलों मेरा दिल ही परे समान होया। धन हुसन हुकूमत मैं नहीं लैनी, नहीं लोड़ किसी बादशाही दी, बनिया रहां चरना दी खाक तेरी, मैनू दात गरीबी दी चाहिदी है। ए फकीर ने रब दे अगे फरियाद रख दिती। हुण अग्गों रब ने जवाब की दिता। रब कहंदा कहा तेरी ए मंग सुन के मेरा हौसला भी रती क्यों टह गया है, क्योंकि इस गरीबी दे ढेर विचों मेरे कोल भी फक्का ना रह गया है। किते सन मैं इस दे चार हिस्से, एक जिन्हां विचों जग विच पै गया है, बाकी तिन्हां दी गल मैं की दस्सां, गुरु नानक प्यारा ही लै गया है। दारू दुखियां दा, जान दर्दियां दी, पुतला निमरता दा, निरंकार है ओ, ए दात तू उस तो मंग जाके, क्योंकि वड्डा गरीब नवाज है ओ। प्रेमी नू कहा फकीर नू क्या परमात्मा ने, कहंदे जिहड़ी मेरे को निम्रता सी ना, कहंदे ओहदे मैं चार हिस्से कीते। कहंदे एक तां मैं संसार च वंड दित्ती। अज पूरे संसार दे अंदर जो निम्रता सत्संगी जनों, ओ एक हिस्सा ही है। परमात्मा कहता फकीर एक नानक फकीर गया है संसार दे विच, जदों मैं उन्होंने भेजा तो उन्हें मेरे तो दात ही एक मंगी सी कि प्रभु कृपा करो कि मैनू बस निमरता बख्श दियो